वर्ष विश्वविद्यालय में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तीरंदाजी प्रतियोगिता में काफी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग ली। काफी ही रोचक तीरंदाजी प्रतियोगिता को देखने के लिए काफी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। इस तीरंदाजी प्रतियोगिता को लेकर विश्वविद्यालय ने काफी कुछ तैयारी भी की थी, जिसे कुलपति ने सारे प्रतिभागियों को प्रतियोगिता में जो शामिल थे उन्हें सम्मानित भी किया। अरे 7 बजे निकल आएगा। मैंने अभी भोजपुर में दो लड़की जो की इन लोग के बराबर को जिन नाम बता दे वो तो पूरा है ना जी। वो तो पहले वीरकुंवर सिंह के छात्र संघ के द्वारा तीरंदाजी प्रतियोगिता का एक स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि ये इतनी अच्छी प्रतिभाओं को ले जाके राष्ट्र स्तर पर विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में तनिक भी इसके ओर अग्रसर नहीं है। और ये छात्र संघ के मन में एकाएक बात आई कि अगर ऐसे प्रतिभागी हमारे प्रतिभान प्रतिभागी हमारे पास हैं तो उनकी एक प्रतियोगिता विश्वविद्यालय प्रांगण में हो कि हमारे पदाधिकारी महोदय इस कला को देखें, परखें और उसके बाद इस स्तर को समझ के इनकी प्रतिभाओं का सम्मान दें। इसका मूल उद्देश्य ये था। छात्र जो आए हैं कहाँ के लोग आए? ये सारे स्थानीय महाविद्यालय विद्यालय के छात्र हैं जो इस गेम में आकर अपने खर्चों से अभी तक विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रही है। विश्वविद्यालय सपोर्ट के नाम पे बस इन्हें एक टीम बना के खिलवाता है, बाहर भेजता है, लेकिन कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं करता है। लेकिन छात्र संघ अथक प्रयास रहेगा कि आज की जो तीरंदाजी प्रतियोगिता है विश्वविद्यालय के पूरी तरह से इसको सपोर्ट मिले, संरक्षण मिले और इसे एक अच्छा ग्राउंड बना के दिया जाए कि हमारे स्थानीय महाविद्यालय के प्रतिभागी यहीं आके प्रैक्टिस करें और इस विश्वविद्यालय के साथ साथ इस पूरे शाहबाद का नाम रोशन हो तीरंदाजी में। पुरस्कार वितरण आज किया जाएगा? हाँ, जो भी छात्र संघ के एकाएक कार्यक्रम रखने के चलते जो भी छात्र संघ ने इन प्रतिभागियों का आयोजन किया है उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे सिल्वर गोल्ड और ब्रॉन्ज का जो भी प्रतिभागी होंगे 3 स्पर्धा